समीप मलिकपुर गांव के रहने वाले एक व्यक्ति की हत्या होने का मामला प्रकाश में आया है। आपको बता दें कि मृतक की शिनाख्त जगदीश निवासी मलिकपुर के रूप में हुई है। वह दिहाड़ी मजदूरी का काम करता था। बताया जा रहा है कि खेत में काम करने वाले एक आरोपित ने जगदीश पर रॉड से हमला किया है, जिससे उसकी मौत हो गई है। अभी झगड़ा किन कारणों के चलते हुआ कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। वही पुलिस ने मृतक के परिजनों की शिकायत के आधार पर एक आरोपित पर मामला दर्ज कर लिया है। मृतक जगदीश के चाचा ने आरोप लगाते हुए बताया है कि जगदीश के साथी बाबू राम द्वारा हत्या की गई है। उन्होंने बताया कि जगदीश के सिर पर रॉड से हमला किया गया है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपित पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपित को जल्द काबू किया जाएगा। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम रूम भेज दिया गया है। इस हादसे से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताते चले कि जगदीश के चाचा ने बताया है कि ये गन्ने की ट्रॉली लेकर गए हुए थे, तो इनका किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, जिसमें जगदीश के सिर पर गहरी चोट लगने के कारण उसकी मौत हो गई है। पोस्टमार्टम रूम में बड़ी संख्या में मृतक जगदीश के परिजन पहुंचे। फिलहाल पुलिस द्वारा शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। मृतक के परिजनों ने पुलिस प्रशासन से आरोपी पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग उठाई है। रात को नए दारू पी, क्या हुआ फिर उसके बाद क्या नहीं हुआ, झगड़ा हुआ ना उसमें क्या हुआ, एक गिल्ला ने मारा है क्या, कहीं थे होते। अच्छा, और भी हो सकते हैं? हो सकते नहीं, नहीं, वो बरामद कल्ला ही है जो है। बरामद तो कल्ला ही है अभी तो, एक ही पकड़ा गया। तो आपको लगता है कि और भी हो सकते हैं? अकेले नहीं मार सकता किसी ऐसे? नहीं, कल्ला ने करे अकेला, ये इतनी चोट जैसे चोट लग रही है वैसे किला को देख लिया है। अच्छा, तो आप क्या मांग करोगे? और भी जांच होनी चाहिए मामले की, पूरी जांच होनी चाहिए। तीन ट्राली निकलवाने के बाद जगदीश वहाँ फार्म पे रह लिया। तो कहने लगा मैंने खार मारने के पैसे लेने हैं। वो रहने के बाद उसके नौकर लग गया था बिहार का बाबूलाल, और उस बाबूलाल के साथ कोई पहले कोई रंजिश नहीं थी। उन्होंने क्या पता नहीं क्या खाया, क्या पिया, शराब पी, क्या कराया। करने के बाद रात को उसको मारिया पिटा है। 8 लोग गन्ना छिलने वाले और थे, उनके पास खींच के गिरने गया उनके बरांडा में। वह उठ गए सवेरे 4 बजे। उठने के बाद 5 बजे हमारे को पता लग गया, एक लाला ग्राउंड से आया। उन्होंने बताया कि वहाँ तुम्हारा लड़का पड़ा है, वो उसको उठा लिया, हो जाएगा सीरियस है ज़्यादा। फिर गाड़ी ले गए, 2 लोग वहाँ से उठा के ले। उठा के लाने के बाद उस टाइम थोड़ा सा मुँह बाता था, थोड़ा सांस चल रहा था, पानी पुणी पिलाया या अस्पताल तक ले गए। उस टाइम में डर खेत में काम करते थे, जिसमें बाहर से भी लेबर आई हुई थी। तो वहाँ पर ये जगदीश के चोटे मार के और उसकी मौत होनी बयान हुई है। इस संबंध में हमने FIR दर्ज कर ली है और पोस्टमार्टम करवा रहे हैं, और जल्द से जल्द है कि उसको गिरफ्तार कर लें। तो गिरफ्तार हो गया बाबूराम जिसने मारा है? और नहीं, जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। तो कहाँ पे हुआ है पूरा मामला? ये गांव मिलकपुर है, सरदार दरबारा सिंह का खेत था, गन्ने का खेत था। तो वहाँ पर ये घटना हुई, गरौंदा थाना के अंदर पड़ता है। तो पोस्टमार्टम करवाया, पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, और इसके बावजूद तुरंत दोषी को गिरफ्तार भी कर लिया। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.